हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, मैं आज आपके सामने क्लास 11th का एक पार्ट लेके आ रहा हूँ। यहाँ से बेटा, आज से हमारी क्लास 11th की मैथमेटिक्स की भी शुरुआत होती है हमारे इस चैनल पे। तो बेटा, आज हम लाए हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है बेटा, सेट्स, जिसके जिसकी स्टार्टिंग ही मतलब सबसे पहला चैप्टर ही है बेटा ये, ठीक है। और बेटा, हम लोग सेट्स को दो पार्ट में बना के रखा है हमने बेटा। दो पार्ट में हम लोग बनाएंगे इसके, ठीक है। इसको दो पार्ट में इसको स्टडी किया जाएगा। एक पार्ट में बेटा पूरा इंट्रो रखा है हमने, जिसमें हमने खाली इंट्रोडक्शन करना है और कुछ चीज़ों को जानना है। और बेटा दूसरे पार्ट में जो इसका मेन प्रॉब्लम्स आते हैं वो है बेटा, वो है बेटा वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं बेटा, जो मॉर्गन्स और डी मॉर्गन्स लॉ हैं कुछ, जिससे यूनियन और इंटरसेक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा, उसको हमने रखा है पार्ट 2 में, ओके। और इस पार्ट में बेटा हम सेट्स को लेके पूरा डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर सेट्स में क्या क्या बातें आती हैं बेटा। इससे पहले सीबीएसई में आपने सेट्स पढ़ा नहीं होगा, ठीक बेटा, जनरली जहाँ तक आपको याद हो। तो बेटा जब आप क्लास 11th में एंट्री लेते हो तो आपको सबसे पहले सेट्स ही स्टार्टिंग कराया जाता है, ताकि थोड़ी सी आपके ओवरहेड में एक आइडिया बन जाए कि किसी भी एलिमेंट के कलेक्शंस को कैसे हम अरेंज करेंगे, या किसी भी एलिमेंट्स के को कैसे कलेक्शंस को फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा इसका प्रयोग रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर भी काफ़ी उपयोग होता है, लेकिन जनरली लोग ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा हम इस पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे आज हम लोग इसको, ताकि आप लोग को बेसिक्स बताया जाए और आप उसको समझेंगे बेटा, ठीक है। और बेटा रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। रटने पे एकदम फोकस नहीं करना है, टोटल फोकस हम लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे करेंगे, ठीक है। हमारा जो बेसिक होगा प्रिंसिपल वही होगा बेटा, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रट के बेटा कुछ होने वाला है नहीं, 2 दिन 4 दिन रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे आप, ठीक है। तो बेटा स्टार्टिंग करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, व्हाट इज सेट। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है हमारा कि डिफाइन सेट कीजिए कि सेट होता क्या है। तो सेट का डेफिनेशन है बेटा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है बेटा। यानी किसी भी डाटा को अगर हम जब वेल डिफाइन करते हैं बेटा, मतलब कि अच्छे से उसे अरेंज करके जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को कहते हैं बेटा हम लोग सेट्स कहते हैं, और यही इसका क्या है, डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। और जैसे एग्जांपल्स के फॉर्म में अगर इसको समझने की कोशिश करें बेटा हम लोग, तो एग्जांपल्स में बेटा लेते हैं, ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है बेटा। यानी हमने ले लिया कि आपके स्कूल में क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनका एक सेट। तो जैसे कहने का मतलब बेटा, जब हमने क्लास 10th की बात करी, यानी हमने एक स्पेसिफिक रीज़न दिया आपको, एक स्पेसिफिक बातें बताई आपको कि ये इतनी सी ही, इतना ही हमारी बाउंड्री है। तो अब इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी एलिमेंट्स आएंगे, तो बेटा इस बाउंड्री के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट जो क्लास 10th में स्टडी करते हैं, यानी क्लास 10th में पढ़ने वाले सारे बच्चे, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, सब के सब को कलेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, ए सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। अब वो डिपेंड नहीं करता बेटा कि क्लास 10th में ए सेक्शन है कि बी सेक्शन है कि जेड सेक्शन है कि एफ सेक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सारे स्टूडेंट को, जितने भी सेक्शन हो, सारे स्टूडेंट को एक ही एक ग्रुप के अंदर जब रखेंगे और उसी को कहेंगे बेटा सेट, ठीक है। तो बेटा ये हो गया एक सिंपल सेट। अब ऐसे कह सकते हैं बेटा कि
सेट तो है बेटा, एनिमल्स इन जंगल, ये भी एक सेट हो सकता है बेटा, वेल डिफाइंड सेट कह सकते हैं कि अब जंगल अगर स्पेसिफिक हो बेटा तो वेल डिफाइंड कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे गिर फॉरेस्ट की, ठीक है, गिर फॉरेस्ट बेटा है, ये है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, फॉरेस्ट भी है बेटा, ये गुजरात में है, ठीक है। और गिर फॉरेस्ट के जंगलों में जो जानवरों का सेट बनता है बेटा, वो बनता है आपका लॉयन का, ठीक है बेटा, क्योंकि लॉयन इज़ द मोस्ट पॉपुलस एनिमल ऑफ दैट फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट बेटा लॉयन के नाम से ही फेमस है, ठीक है। तो अगर हमने सेट बनाया तो क्या बनाएंगे बेटा, तो उस फॉरेस्ट में सारे जानवरों का सेट बना सकते हैं, लेकिन बेटा जानवर इतने होंगे इतने होंगे, छोटे मोटे कीड़े पतंगी फतंगी सबको अगर काउंट कर देंगे तो हम काउंट नहीं कर सकते बेटा, उसका सेट नहीं बना सकते। तो जब हम एक स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है बेटा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक कहने का मतलब जब किसी एक पॉइंट की तरफ हम इंडिकेट करते हैं कि हाँ यही पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि वो एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब बेटा जब हमें ये पता हो कि उसकी स्टार्टिंग एंडिंग कैसे है, यानी अगर हम गिर फॉरेस्ट की बात करें बेटा तो किस जानवरों की बात करेंगे, तो हम बात करें बेटा लॉयंस की। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, लॉयंस का सेट, यानी कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें केवल लॉयंस हो, ठीक है। अब लॉयंस किसी तरीके के हो सकते हैं बेटा, अगर वर्ल्ड की बात करें तो जितने भी तरह के, कुछ एशियाटिक लॉयन होते हैं, कुछ स्नो लॉयन होंगे, कुछ जंगली लॉयन होंगे, कुछ जू वाले लॉयन होंगे, तो बेटा ये सारे के सारे जो लॉयंस हैं उन सब के सेट को ही क्या बोलेंगे बेटा, ए सेट ऑफ लॉयंस या सेट ऑफ एनिमल्स इन जंगल्स। एनिमल्स बोलेंगे बेटा तो मल्टीपल जानवर, और अगर हमने लॉयन बोला, सेट ऑफ लॉयंस यानी लॉयंस इन जंगल्स, तो बेटा लॉयंस इन जंगल्स हो गया हमारा स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पार्ट मिला है, क्या है ये कि लॉयंस इन अ जंगल इज सेट टू बी अ सेट, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक होंगे, हम ऐसे इनके सेट बना सकते हैं कि हम सबको ये बता पाएँ कि हाँ भाई जैसे एक जंगल इसके अंदर 50 शेर हैं, तो हमें इसकी अप्रोक्सीमेशन मालूम है कि 50 शेर हैं बेटा, ठीक है। एक वेल डिफाइंड डेटा है आपके पास, एक डेटा है कि इस जंगल में 2022 तक टोटल 50 शेर हैं, यानी आपके पास डेटा है, वो डेटा एकदम फिक्स है और डेटा बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। तो इस तरह के डेटा को जब हम लोग बेटा एक कलेक्शन करते हैं, यानी कि सारे सारे डेटा को जब कलेक्शन करते हैं, तो बेटा इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेट कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देते बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये भी है बेटा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या मतलब बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक तो जाए बेटा, अनंत तक जाएँ केवल पॉजिटिव में, उसको कहते हैं बेटा हम नेचुरल नंबर। तो बेटा ये केस हो गया हमारे पास सेट के लिए कि सेट होता क्या है। तो जनरली जब भी आपसे बेटा कोई पूछेगा व्हाट इज सेट, तो आप बताएंगे सर द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डाटा, यानी जब हम किसी भी डाटा को अच्छे से उसको कलेक्ट करते हैं। तो बेटा हम कहाँ थे, तो हम लोग थे बेटा कि सेट्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में अच्छे से उसको स्टडी कर रहे थे कि आखिर सेट्स डेफिनेशंस हैं क्या, ठीक है बेटा। तो बेटा उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, यानी कि सेट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसके बारे में बेटा हम लोग जानेंगे। तो जनरली सेट को बेटा दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई किए हैं, ठीक है, दो पार्ट, ठीक बेटा, कौन कौन से। तो एक पार्ट को कहेंगे बेटा रोस्टर फॉर्म, ठीक है बेटा, क्या कहेंगे हम, जैसे यहाँ पे सेट है और सेट को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई करा है, एक है बेटा रोस्टर फॉर्म और एक है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बेटा। अभी ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है बाबू, तो रोस्टर फॉर्म है कि जब भी हम किसी सेट को, ठीक है बेटा, जब भी हम किसी सेट को नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल का मतलब जिस फॉर्म में हमने उस डेटा को कलेक्ट किया है उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा उसको कहेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म, यानी जनरली जो हम समझ सकें। जैसे कि अगर आपसे बोले कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलेगा तो जनरली आप क्या लिखेंगे बेटा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बराबर, बेटा सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है बेटा,
कर्ली ब्रैकेट से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 ऐसे करके बेटा जहाँ तक जाए वहाँ तक। तो बेटा ये क्या है, ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। क्योंकि जब हमने बोला नेचुरल नंबर बेटा, तो नेचुरल नंबर जैसे जस्ट सपोज़ कि आपको नहीं पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो आप सोचने लगेंगे आखिर नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता क्या है। तो बेटा उसको नहीं सोचते हुए, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है ये नहीं सोचते हुए, अगर आपके सामने वो सीधा वैल्यू लिख दे कि दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एट इन्फेनाइट तक, तो इस तरह के बेटा फॉर्म को कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, यानी सेट का वो फॉर्म जो कि एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हो। ठीक है बेटा, यानी कि जैसे कि एक पॉलीथीन हो, पॉलीथीन में पूरा मटेरियल रखा हुआ है भर के गट्ठी लगा के बेटा, और रोस्टर फॉर्म का मतलब गट्ठी खोल के सारा आइटम बाहर निकाल के दिखा दिया हमने कि ये आइटम इसके अंदर रखा हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म बेटा ऐसा फॉर्म है जो किसी भी सेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने को दिखाता है। सिंपल ये होता है बेटा कि जो भी उसके अंदर एलिमेंट होता है हम रोस्टर फॉर्म में अच्छे से देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं और कौन से एलिमेंट नहीं है। तो बेटा रोस्टर फॉर्म को देख के ये चीज़ तो है आपको क्लियर हो जाएगी कि ये सेट है किस चीज़ का या कैसा है नहीं है, भले बेटा आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी हो या ना हो, जनरली न्यूमेरिकल्स फॉर्म में या फिर किसी फॉर्म में बेटा वो डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से होता है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म बेटा बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आपको हर एक डेटा दिख जाता है बेटा। जैसे अगर एक और सेट बना लो बेटा, क्या बना लो, एक और सेट बना लो बेटा कि आपके क्लास में टॉपर्स की संख्या मतलब बेटा टॉप 10 में आने वाले स्टूडेंट, जस्ट सपोज बेटा 10 स्टूडेंट टॉप 10 में आने वाले, बहुत करोगे तो 15 स्टूडेंट आने वाले बेटा। तो बाप 10 और 15 स्टूडेंट के बेटा इसके अंदर नाम लिख सकते हो ना। और आपको ये भी मालूम होगा, भले आपको ये ना मालूम हो बेटा कि आपके क्लास में कितने बच्चे हों, ठीक है, भले आपको नहीं मालूम बेटा कि आपके क्लास में कितने बच्चे हों, आपके बगल वाले सेक्शन क्लास में कितने बच्चे हों, पर आपको टॉपर्स मालूम चल जाएंगे कि हमारे क्लास में ये टॉपर है बंदा, हमारे बगल क्लास में ये बंदा टॉपर है, हमारे तीसरे सेक्शन में ये टॉपर है। तो ये टॉपर्स की जानकारी आपको आसानी से हो जाएगी, बजाय भले ही बेटा और सेक्शंस के बच्चों के नाम भले ही ना मालूम हो, पर टॉपर्स के बाद टॉपर्स के नाम आपके दिमाग में हो सकता ज़रूर हो। ठीक है बेटा, क्योंकि जो जिस तरह का भोकाल जमाया जाता है क्लासेस में कि ये टॉपर है, तो पूरा बेटा क्लास में एकदम मतलब भोकाल जम जाता है उन लोगों का कि भाई टॉपर है, पढ़ने वाला है, टॉपर है। तो जिससे कि जो लोग नहीं जानते थे कि ये कौन है, ये कौन थी, कौन है, नहीं है, ये सब लोग बेटा जान जाते कि हाँ यही है। ठीक है, तो बेटा ये है समझ लीजिए कि रोस्टर फॉर्म में टॉपर ऑफ द योर क्लास, यानी क्लास 10th में कितने टॉपर थे। अगर सोचो बेटा क्लास 10th में 5 सेक्शन हैं, तो 5 सेक्शन में 5 टॉपर होंगे, 5 टॉपर के नाम मेंशन हो गए, तो आप जान जाओगे कि हाँ भाई 5 टॉपर हमारे क्लास में, यानी हमारे क्लास के सेक्शंस में कितने 5 टॉपर्स मौजूद हैं। जैसे बेटा एक और एग्जांपल, तो टॉपर ऑफ आवर कंट्री, यानी जब हमारा 10th का CBSE का रिजल्ट आता है बेटा, यानी जो आने वाला हो, अभी लेटेस्ट आने वाला है, जब CBSE का रिजल्ट आता है बेटा, तो फिर क्या होता था कि पता चलता है कि फला व्यक्ति ने 99.99% मार दिया। तो बेटा 99.9% मारने वाला एक ही या दो व्यक्ति होगा, बहुत होगा, तो क्या वो एक रोस्टर फॉर्म का सेट है और वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है बेटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें, हमें जानकारी हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्टली कलेक्ट किया हुआ है, ये दो बंदे ही है या चार बंदे ही, ये 10 बंदे ही हैं जो टॉपर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है बेटा, ऐसे भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है बेटा, तो सेट बिल्डर फॉर्म वो है ना बेटा जब हम इसको अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में लिखें। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हम इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो दो बातें हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेंटेंस के फॉर्म में। तो यही जो सेट बिल्डर, इसको किस में लिखते हैं बेटा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to infinite। अब ये बन गया बेटा सेट ऑफ नेचुरल फ्रॉम 1 to infinite। अब दूसरा, अगर सेट का हम अगर सेट बिल्डर बनाएं, तो सेट ऑफ टॉपर्स
ऑफ क्लास टेंथ रैंक फर्स्ट। ठीक है बेटा, लो एक और मस्त सेट बना दिया हम लोगों ने। तो बेटा दोनों चीज़ें देखो बेटा, ये 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है आपको सिंपल सिंपल वर्ड्स में, और यहाँ पे यही चीज़ है बेटा, सेम देख लो, यही सेम चीज़ है 1, 2, 3, 4, 5 तक। लेकिन हमने इसको किस फॉर्म में लिखा बेटा, हमने इसको लिखा है आपके सामने बिल्कुल सेंटेंस के फॉर्म में बेटा। अब सेंटेंस के फॉर्म में है तो अगर जिन जिन बच्चों को ये ना मालूम हो कि आखिर नेचुरल नंबर क्या होता है, तो भाई उनके लिए तो लफड़ा हो गया। अब तो वो टेंशन में आ गए कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब यही उन्हीं इसी जगह पर बेटा अगर ये आ गया होता तो सिंपल उनको दिखता भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक उसमें वैल्यूज मेंशन है। ठीक है, तो रोस्टर और सेट बिल्डर में बेटा यही जो कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो वो है कि रोस्टर में हम एकदम एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में, यानी कि एकदम जो बिल्कुल बेसिक वैल्यू होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, और उसी वैल्यू को सेंटेंस के फॉर्म में बेटा, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा उसको कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास सेट बेटा, और सेट के हो गए दो टाइप्स, एक है बेटा रोस्टर और दूसरा है सेट बिल्डर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे बेटा इस पे, वो करेंगे कि टाइप कितने होते हैं। अब हमने तो क्लासिफिकेशन करा, ठीक है बेटा, हमने क्लासिफिकेशन करा, क्लासिफिकेशन सेट में बेटा हमने रोस्टर फॉर्म के बारे में जाना, एग्जाम्पल्स भी देखे, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जाना बेटा और एग्जांपल्स भी देखे, और मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, मैं क्योंकि और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं अलग, क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स अगर हम लोग एक साथ कवर करेंगे बेटा तो थोड़ा सा टाइमिंग इलैप्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए एग्जांपल्स इतने लें बेटा कि आपके माइंड तक वो बातें पहुंच जाए। और बेटा एक और चीज़, फोकस करेंगे, ठीक है बेटा, जब मैं बोलूं बेटा फोकस तो तुरंत आप एक लंबी सी सांस लेंगे बेटा और धीरे से उसको छोड़ देंगे, और मैं बता दूं बेटा कि जब ऐसा आप करेंगे तुरंत आपका दिमाग खुल जाएगा, और कहीं इधर उधर अगर मचल रहा हो आपका दिमाग बेटा क्लास में तो कहीं और, तो कहीं स्कूल के पीछे, तो कहीं कैंटीन में, तो कहीं पबजी में, तो बेटा वो सब लौट के वापस हमारे यहाँ पे आपके बोर्ड पे, हमारे बोर्ड पे आ जाएगा, जिससे आपको समझ में बेटा कोई दिक्कत ना हो। तो जब भी बेटा आपका दिमाग इधर उधर भागे तुरंत एक लंबी सी सांस लीजिए बिना कहे हुए, या तो फिर मैं कहूँ तो फिर आप तुरंत लीजिए बेटा। ठीक है चल, तो बेटा इसको हम क्या कर देते हैं, हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ सेट्स की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेटा सेट्स में ये जान लिया कि सेट के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं। अब बेटा टाइप ऑफ सेट में अगर हम बात करें, टाइप ऑफ सेट में TOS, तो बेटा सबसे पहले की बात करेंगे हम लोग एम्प्टी, फिर फाइनाइट, फिर कार्डिनल, इक्विवेलेंट, और बेटा आ जाएगा इक्वल। बेटा इन पांच टाइप्स के सेट्स की बात कर लें हम, कि पांच टाइप्स के सेट कौन कौन से होते हैं। तो पहला है बेटा एम्प्टी सेट, यानी ये सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह के सेट को क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, तो ए इज इक्वल टू इसको बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, इसके अंदर हम एक भी एलिमेंट नहीं रखते हैं बेटा, एकदम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैंने खाली छोड़ दिया, अंदर कुछ नहीं है, इस सेट के अंदर कुछ नहीं है, तो इस सेट को बोलेंगे बेटा हम एम्प्टी सेट, खाली सेट बोलते हैं। और बेटा इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं इससे बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को, और बेटा इसको बोलते हैं हम लोग फाई। क्या बोलते हैं बेटा, फाई बोलते हैं, आप उसको फाई कॉल कर सकते हो, बुरा नहीं मानेगा वो। ठीक है, तो इसको बेटा फाई बोलते हैं, और इसका एक और नाम बेटा नल सेट। ठीक है बेटा, तो जैसे यहाँ पे एम्प्टी सेट है वैसे ही इसका एक और नाम होता है बेटा
नल सेट, ठीक है। और ये जो सेट होता है बेटा वो होता है एम्प्टी, और इसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता बेटा, एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। आप देख सकते हो एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, एकदम बिल्कुल प्योरली खाली है। और जब इस खाली रहता है ऐसा, तो बेटा इसको इससे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब हम लोग बात करते हैं फाइनाइट की। फाइनाइट क्या है बेटा? तो फाइनाइट मतलब होता है बेटा वो नंबर्स जिनकी जानकारी हम लोग के पास हो। जैसे अगर आपसे बोलूं बेटा कि सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप जनरली बोलोगे जीरो, यही बोलोगे कि सबसे छोटा नंबर जीरो है। लेकिन मैं बोलूं बेटा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा नंबर 9999999999 5 बार 9 सर। तो मैं कहूँ एक जोड़ दो, तो फिर कहोगे सर 6 बार 9, फिर कहूँगा बेटा एक जोड़ दो, तो फिर कहोगे 7 बटा 9। तो बेटा ऐसे करके आप कितनी बार भी 9 लिख लो, हम लोग हमेशा कह सकते हैं कि उसमें एक हम जोड़ दें। तो इस तरीके से हमें ये पता चला बेटा कि हमको सबसे बड़ी वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इनफाइनाइट कहते हैं बेटा, ठीक है। और तब आता है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जो वैल्यू हमें मालूम हो, यानी वो सेट जिन सेट्स की वैल्यू हमें मालूम हो, जिन सेट्स का लिमिटेशंस हमें मालूम हो कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, फिक्स होगी बेटा, ठीक है, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उस तरह के सेट्स को बेटा कहते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं नेचुरल नंबर 1 to 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। इवन नंबर अप टू 10, 2 4 6 8 10, ऑड नंबर अप टू 10, 1 3 5 7 9, ओके बेटा। कंपोजिट नंबर 1 to 10, 4 6 8 9, प्राइम नंबर 2 3 7 5, भी ले सकते 2 3 5 7 प्राइम। तो बेटा जब हमें आगे की वैल्यू पता, यानी जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो, एलिमेंट्स मालूम हो कि कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, तो बेटा उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जिसकी हम गिनती कर सकते हैं बेटा, जिसकी गणना हम कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं हम लोग फाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटा कार्डिनल की। कार्डिनल क्या होता है बेटा? कार्डिनल सेट। तो कार्डिनल सेट का मतलब होता है ना कि बेटा जितने भी एलिमेंट हैं किसी भी सेट के अंदर, जैसे कोई एक सेट है, जैसे ऊपर वाला बेटा सेट ले, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है बेटा? तो इस सेट में टोटल 10 एलिमेंट है बेटा, 1 से स्टार्टिंग है, 10 पे ख़त्म है, टोटल 10 एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसकी कार्डिनल सेट की वैल्यू होती है बेटा 10। क्या होगी इसकी कार्डिनल सेट की वैल्यू? ये हो जाएगी बेटा 10। यानी कार्डिनल मतलब होता है बेटा कि किसी भी सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं उसी को बेटा कहते हैं हम लोग कार्डिनल सेट कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि ऊपर वाले सेट में 10 है, इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो बेटा? 10 हो गई। इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो बेटा? 0 होगी। अगर आपसे बोले बेटा कि इवन नंबर 1 से 10 के बीच में, तो टोटल 2 4 6 8 10 5 है बेटा, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी बेटा? 5 होगी। तो कार्डिनल मतलब होता है किसी भी सेट में बेटा जितने भी एलिमेंट मौजूद हों उसी को कहते हैं बेटा कार्डिनल सेट, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा, मान के चलो कि 2 सेट है, कोई एक सेट है ए, इसमें बेटा 2 4 6 8, और कोई एक और सेट है बेटा बी, इसमें बेटा 3 7 9 11, ठीक है बेटा। अब हम बोलेंगे क्या बेटा कि जो ए वाला सेट है वो बी वाले सेट का क्या है? इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है बेटा? क्योंकि ऊपर वाले सेट में भी 4 एलिमेंट हैं
और नीचे वाले सेट में भी चार एलिमेंट हैं। तो बेटा जब दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएं सेम, यानी कि उनकी गिनती सेम हो जाए, नंबर्स बेटा एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, उनकी गिनती सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें ए है तो इसमें भी ए है, नहीं नहीं गिनती सेम हो, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में हो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में हो, और जब दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के बराबर हों तो बेटा उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको कहते हैं बेटा इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हो गया बेटा। और इसी के बाद आता है बेटा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है बेटा, तो इक्वल सेट का मतलब वो सेट होता है बेटा जब हम कोई सेट ए हो और इसमें है बेटा 2 4 6 8, और कोई एक और सेट बी हो इसमें वो बेटा 2 4 6 8। बेटा इसमें क्या होता है, तो जब दो सेट इक्वल सेट तब होंगे बेटा जब उन दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे बेटा, नंबर नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं कि उसमें गिनती में चार हैं तो इसमें छः हैं, नहीं इसमें एक और कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 9 10 कर लो, ठीक है। अब देखो बेटा 2 4 6 8 इसमें भी है, 2 4 6 8 इसमें बेटा, तो जो ए और बी है वो इसको हटा दो बेटा, इसको हटा दो, ठीक है, चार चार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा 2 4 6 8 एलिमेंट है और इसमें भी 2 4 6 एलिमेंट है बेटा, ठीक है। और ये दोनों सेट को क्या बोलेंगे बेटा, इन दोनों सेट को बोलेंगे हम इक्वल सेट, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वही सेम एलिमेंट बी में है, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे एलिमेंट देखेंगे कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है। अगर इसमें राम श्याम सीता रीता है तो इसमें बेटा राम श्याम सीता रीता मौजूद होंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे अब एलिमेंट देखने हैं। और ऊपर वाले में क्या देखना है बेटा, ऊपर वाले में केवल नंबर देखने हैं, कौन है ऊपर वाले में, कौन लोग हैं, चार लोग हैं, उसके नीचे में कौन लोग हैं, चार लोग हैं, इसका मतलब दोनों सेट में चार चार लोग हैं, इसका मतलब बेटा कह सकते हैं इसको इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। और बेटा चार चार लोग हैं, भले ही चार पांच लोग हैं चाहे आठ दस लोग हैं, लेकिन उनके उनके मेंबर सेम हैं, यानी 2 4 6 8 ऊपर भी हैं, 2 4 6 8 नीचे भी हैं, राम श्याम सीता गीता ऊपर भी हैं, राम श्याम सीता गीता नीचे भी हैं, तो इस तरह के सेट को कहते हैं बेटा हम लोग इक्वल सेट, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। तो ऐसे हो गया बेटा हमारा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और टाइप्स हो गया बेटा समाप्त। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा सबसेट्स पे। डेफिनेशन क्लासिफिकेशन टाइप्स बेटा हो गया समाप्त, अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा सबसेट्स के ऊपर, देखते हैं बेटा सबसेट्स क्या होते हैं। तो बेटा हम लोग बात करेंगे अभी सबसेट्स की, बात करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है, देख लेते हैं बेटा इन सब का आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है बेटा। मैथ्स में भी बेटा नोट्स होते हैं जो कभी कभी डाउट्स को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए काम करते हैं, ठीक बेटा। चलो अब बात करते हैं बेटा हम सबसेट की। बेटा सबसेट क्या होता है, ठीक है, तो बेटा सबसेट जो होता है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल्स। ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सबसेट को दिखाने का। बेटा सबसेट होता क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है। तो बेटा जब एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, मान के चलो बेटा ए है उसमें 2 4 6 8 है, और कोई बी है बेटा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। कोई दो सेट है और एक सेट आपके सामने 2 4 6 8 और दूसरा सेट बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, और बेटा बोलेगा जो ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है बेटा, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा बोले तो इसका मतलब क्या बेटा, तो हम एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी हो, अगर ए बी का सबसेट हो तो यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तभी बेटा हम किसी भी सेट को उसका सबसेट कह सकते हैं,
ठीक है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज सबसेट, तो कहेंगे सर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन द सेट बी। यानी बेटा सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद होंगे। इस तरीके के सेट को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग सब सेट बोलते हैं। ठीक है, 2, 4, 6 सेट है बेटा, 2, 4, 6, 8। यानी बी के अंदर बेटा सारे एलिमेंट क्या हैं, मौजूद हैं। आप देख सकते हो बी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर क्या है बेटा, मौजूद हैं। यानी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का क्या है बेटा, सब सेट है। ठीक है बेटा, तो ये होता है सबसेट का कॉन्सेप्ट। बहुत गौर करेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, बस सिंपल समझना है कि अगर एक एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर क्या है बेटा, हैं। यानी इस सेट के सारे एलिमेंट अगर इस वाले सेट में मौजूद हैं, तो बेटा ये वाला जो एलिमेंट, ये वाला जो सेट होगा वो इस सेट का क्या होगा बेटा, सबसेट होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, सबसेट होगा। चलो ये हो गया बेटा। उसके बाद है एक और केस आता है बेटा, एक और केस क्या है कि अगर बी जो है वो सब मतलब बेटा बी हो जो है वो भी क्या हो जाए, बी के जैसे समझते बेटा, फिर समझो। ठीक है, अगर बी के सारे एलिमेंट, गौर करना बेटा, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हों, उल्टा बता रहा हूँ बेटा, अभी क्या था, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद थे तो ए इज द सबसेट ऑफ बी था। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हों, ठीक है बेटा, यानी बेटा बी के सारे एलिमेंट अगर ए में मौजूद हों, ठीक है बेटा, जैसे अगर एक और एग्जांपल लें हम कि जैसे सेम हो जाए बेटा, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, अगर ए कोई ले लिया हमने बेटा 1, 2, 3, 4, ठीक है बेटा, और एक बी ले लिया हमने बेटा, उसने लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है बेटा। तो अभी क्या है, ए के सारे एलिमेंट बेटा बी में मौजूद है कि नहीं, पहला केस। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये हो गया बेटा क्लियर, ए इज द सबसेट ऑफ बी, जिसके बारे में बेटा डिटेल में हम लोग चर्चा किए हैं। और देखेंगे कि बी के भी सारे एलिमेंट बेटा ए में मौजूद हैं, गौर कर लो, बी के भी सारे एलिमेंट बेटा ए में मौजूद हैं, इसलिए बेटा इसको कहेंगे बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे बेटा, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए बेटा, ये कंडीशन आता है। ठीक है, तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी के सारे बेटा अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सबसेट, गौर करना बेटा, और बी के सारे एलिमेंट अगर ए में मौजूद है तो उसको कहते हैं बेटा सुपरसेट, तो इसको कहते हैं बेटा सबसेट और इसको कहते हैं बेटा हम लोग सुपरसेट। क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग सुपरसेट। तो ये क्लियर हो बेटा, सबसेट सुपरसेट, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो सबसेट ए बी का, और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो बी ए का सुपरसेट, सबसेट सुपरसेट, सबसेट सुपरसेट। ठीक बेटा, ऐसे क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें बेटा कि अगर कोई भी एलिमेंट सबसेट नहीं है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर ए बी का सबसेट नहीं है, अगर बेटा इसके लिए नहीं है, दूसरा एग्जांपल हो जिसमें ए के एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करते हो, यानी सुपर सबसेट ना हो, तो बेटा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, जब इस सिंबल को बना के उसे स्लैश कर दिया जाता है बेटा, कट कर दिया जाता है, उसको उस वाले को बोलते हैं बेटा नो सबसेट। ठीक है, यानी वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी सबसेट बन नहीं रहा है। ठीक बेटा, चलो उसके बाद बात करेंगे बेटा इम्प्रॉपर सबसेट की। तो इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर बेटा दो पॉइंट्स आते हैं। ठीक है बेटा, और
यही इम्प्रॉपर सबसे बेटा थ्योरम की तरह भी वर्क करते हैं। तो टोटल इसमें एक दो और बेटा एक थ्योरम, टोटल तीन। तो तीन पॉइंट बेटा ये थ्योरम के अंदर हम कंसीडर करते हैं, और इम्प्रॉपर सबसेप्ट में भी वही बात हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो इसको देख लेते हैं बेटा। बेटा प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ आएगा बहुत बढ़िया। क्योंकि तो बेटा 11th में जाने के बाद थोड़ा सा जो सिलेबस है वो चेंज हो जाता है बेटा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। चल तो अब बात करें बेटा पहला पॉइंट थ्योरम का, और या प्रॉपर सबसेट का पहला पॉइंट बात करें बेटा, क्या है? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बेटा, यह है पहला थ्योरम। क्या बोलता है कि हर एक सेट खुद का ही क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। तो बात सही है, ठीक है। लेट कर लो बेटा कोई एक ए सेट है और उसमें 1 2 3 4 चार एलिमेंट है बेटा, तो हम इस ए को ए का ही सबसेट कह सकते हैं क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं बेटा। गौर करना, ठीक है। अगर ये ए सब एक ए सेट है बेटा और इसी का एक क्लोन कर देते हैं हम लोग 1 2 3 4 एक और सेट हो बेटा, तो इसको कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। कह सकते हैं? नहीं बेटा, कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में तो मौजूद होंगे ही होंगे ना। कहाँ मौजूद होंगे? अगर ए में नहीं होते तो कहाँ होंगे? तो इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो यहां से बेटा एक थ्योरम बनता है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक सेट खुद के क्या होता है बेटा, सबसेट होता है, यानी खुद के सेट का क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। तो ये हो गया बेटा थ्योरम नंबर वन। ये सब बेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करेंगे दूसरा जो है, दूसरा जो थ्योरम है उसकी बात कर लेते हैं बेटा, थ्योरम नंबर टू। तो थ्योरम नंबर टू कहता है बेटा कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है बेटा, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एग्जाम्पल दे देते बेटा, मान के चलो बेटा एक कोई ए सेट है, ठीक है, और इस सेट की स्टार्टिंग से पहले अगर देखो बेटा तो सबसे पहले इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं इस समय? तो आप कहोगे सर लिखिए, तो यही तो मेरा बेटा, यही तो मेरा पॉइंट है कि अभी लिखने से पहले हमने तो सेट क्रिएट कर दिया है, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? तो आप कहोगे एक भी एलिमेंट नहीं। तो क्या इसको नल सेट कह सकते हो? कह सकते हैं। इसका मतलब हर एक सेट में नल सेट मौजूद होता है, होता ही नहीं बेटा? बेटा क्योंकि जब भी हम किसी भी सेट को फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे जो कि एम्प्टी हो, और फिर उसके बाद बेटा उसके अंदर क्या भरते जाएंगे, हम एलिमेंट को प्लेस करते हुए जाएंगे, और ऐसे करके उसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो अब वो नल सेट से क्या बन जाएगा बेटा, नल सेट से वो उसके अंदर बहुत सारे, यानी नल सेट से वो फाइनाइट सेट बन जाता है बेटा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी हर एक सेट का जो एम्प्टी सेट होता है बेटा क्या होता है, सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेट को बनाने में सबसे पहले हमारे सामने जो सेट आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्टी सेट बोलते हैं, क्योंकि वो एकदम खाली होता है। अब इसके बाद बेटा ये एम्प्टी सेट हो गया, जो ही इसमें आप 1 2 3 रख दिया, अब ये एम्प्टी सेट तुरंत कन्वर्ट किसमें हो गया बेटा, फाइनाइट सेट में। लेकिन गौर करेंगे बेटा, ये एम्प्टी सेट था कि नहीं था? था, ठीक है। तो वो एम्प्टी सेट से ही फाइनाइट सेट बना है, इसका मतलब कि एवरी सेट के अंदर एम्प्टी सेट मौजूद होता है बेटा, ठीक है, समझ आया बेटा? तो ये हो गया एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, थ्योरम नंबर टू क्लियर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम थ्योरम नंबर थ्री की तरफ। थ्योरम नंबर थ्री क्या बोलता है बेटा, बेटा यहीं पर करता हूं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 का पावर n। यानी बेटा लेट कर लो कि एक कोई सेट लेते हैं ए, ठीक है, और उसके अंदर 1 2 3 4 5
ऐसे डाल देते हैं बेटा, पांच एलिमेंट पढ़ देते हैं। अब हमने पूछना है, हमने पूछा आपसे कि इस ए सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है बेटा, इस ए सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं, यानी नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ सब सेट। तो उसके लिए एक थ्योरम से फॉर्मूला आता है 2 का पावर n, जहां पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। बेटा इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो आपको सर 5, वेरी गुड, 5 है, तो इस पे हो जाएगा 2 का पावर 5, तो सॉल्व करो बेटा कितना हो जाएगा 32। कैसे, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ये हो गया बेटा 32, यानी कि इस ए सेट से टोटल 32 ठो सबसेट बनाए जा सकते हैं, ठीक बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, ये थ्योरम को जनरली क्या मैक्सिमम टाइम में पेपर्स के अंदर 1 नंबर 2 नंबर के अंदर फंसाया जाता है बच्चों को, और बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन अब के बाद बेटा आप लोग फंसेंगे नहीं, एकदम क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो क्या समझे बेटा आपने, आपने समझा कि एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, तो उसके बनने वाले जो सबसेट होंगे वो 2 का पावर n होंगे, यानी 2 का पावर n होंगे, और n जितने भी उस सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद होंगे बेटा। तो 5 एलिमेंट हैं, अगर 6 एलिमेंट होता 2 और 6 होता, 2 एलिमेंट 2 का पावर 2 होता, 3 एलिमेंट 2 का पावर 3 होता, और उस हिसाब से सबसेट का फॉर्मेशन बेटा होते जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा थ्योरम, और ये बेटा थ्योरम नंबर 3 भी हो गया हमारा समाप्त। तो टोटल बेटा हमने 3 थ्योरम भी पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया बेटा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दूसरा एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और तीसरा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज इन द पावर ऑफ 2 का पावर n, यानी 2 का पावर n के फॉर्म बेटा हम सबसेट क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे करके हमने यहाँ के हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट्स को एकदम क्लियर कर दिया बेटा, ठीक है, इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया बेटा, एकदम क्लियर कर दिया है, और मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको हर एक पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है बेटा। अगर नहीं समझ में आया बेटा तो हम तो आपके साथ नहीं, आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस का आंसर्स ले सकते हैं, या कोई भी सवाल हम हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं बेटा, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसको आपको उसके लिए सॉल्यूशन जरूर लेके आऊं, ठीक है। बेटा अब हम लोग देखेंगे, इधर का पार्ट हो गया बेटा क्लियर, अब हम आते हैं इस वाले पार्ट में बेटा, ठीक है। इस वाले पार्ट में बेटा सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरवल्स। अब जैसा कि सेट कर रहे हैं बेटा, तो आगे इंटरवल्स की बहुत सारी आवश्यकता पड़ने वाली है, उसको भी हम जान लेते हैं बेटा। इंटरवल्स क्या होते हैं, तो इंटरवल्स का मतलब होता है बेटा, मान चलो कि एक लाइन है जिसमें 0 होता है, नंबर लाइन है, जैसे पहला पॉजिटिव होता है, जैसे क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। अब जब क्लोज की बात आती है, यानी इंटरवल्स में नहीं बेटा, जब दो जो जो दो टाइमलाइन होता है, स्टॉपेज होता है दो टाइमलाइन के बीच का, उसको इंटरवल कहते हैं। जैसे मूवी चलती है बेटा थिएटर में, अगर आप लोग गए हो तो, और थिएटर में बेटा इंटरवल कब होता है, जब मूवी का 50% पार्ट खत्म हो जाता है, फिर इंटरवल होता है, फिर जाते हैं भर भर के पॉपकॉर्न लाते हैं और फोकसते जाते हैं बेटा उसको अंदर, और फिर मूवी का एंजॉयमेंट लेते जाते हैं। तो इंटरवल बेटा क्या होता है, तो इंटरवल होता है दो मूवी के बीच का गैप, ठीक है। अब इस वाले इंटरवल का मतलब क्या होता है, तो इस वाले इंटरवल का मतलब भी होता है कुछ इसी तरीके का, कि दो नंबर्स के बीच का हम लोग एलिमेंट निकालते हैं, या दो नंबर्स का जब हम लोग लिमिटेशंस करते हैं, या दो नंबर्स जो बेटा मेंशंस करते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। दिखा रहे बेटा इंटरवल, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से समझ लेंगे। तो बेटा क्लोज क्या होता है, मान चलो ना बेटा कि अगर आपसे बोला कि आपने स्टार्ट किया 8 से और पहुंचे बेटा आप कहां पे, 32 पे, तो आपसे बोला गया है कि आप 8 पे खड़े हो और 8 से लेके 32 पे आप पहुंच गए, तो बोला गया है कि जहां से खड़े हो उस वाले पार्ट को और जहां से पहुंचे उस वाले पार्ट को, सबको एक साथ रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा इसको कर सकते हैं रिप्रेजेंट 8, 32, और हम बनाते हैं बेटा ऐसा ब्रैकेट। अब ऐसा ब्रैकेट बनाने का कारण ये है बेटा कि जब भी हम शुरुआत करते हैं, तो कहां शुरुआत किया हमने, 8 से शुरुआत किया, तो जब बड़ा ब्रैकेट बनाने का मतलब बेटा कि हम 8 को भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, यानी कि जो हमने ट्रेवल करा है उसमें हम 8 को भी क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और 32 के आगे भी एक बिग ब्रैकेट है बेटा, तो इसको भी हम कहेंगे कि 32 को भी हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहीं पे हमारा जो जो इंटरवल था वो होता है बेटा खत्म।
तो जब ऐसा क्वेश्चन बोले कि हमने स्टार्टिंग और मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंटरवल्स को लेना है आपस में, तो उस केस में हम बेटा बिग ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। और बिग ब्रैकेट में जब प्रयोग करते हैं बेटा ना, तो हम इन दोनों को भी इसके अंदर इस इंटरवल के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यू गेट केस वन। और इसको बोलते हैं बेटा क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि हमने जो पॉइंट स्टार्ट किए, जो पॉइंट पे एंड किए, उन दोनों पॉइंट को भी इस इंटरवल में कवर करते हैं। ठीक बेटा, अब उसके बाद बात करेंगे बेटा ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल क्या होता है बेटा? तो ओपन इंटरवल बेटा होता है ना, मान लो यही है, अब हो गया 8 और 32 और हमने बना दिया इस तरह का, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट बना दिया। तो बेटा ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है ना कि हमने 8 और 32 से तो स्टार्टिंग और एंडिंग की है, पर हमको 8 और 32 को काउंट नहीं करना है। तो बेटा काउंट कहाँ से करना है? काउंट हम यहां से करेंगे बेटा। कहां से करेंगे? यहां से। यानी काउंट करेंगे बेटा हम 9 से और जाएं कितना बेटा? 31 तक। तो हम इतना काउंट करेंगे, यानी 8 को और 32 को दोनों क्या कर देंगे बेटा? हम छोड़ देंगे। जब इस तरह का इंटरवल हम लेते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल बेटा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम साथ में नहीं लेते हैं, और नहीं लेने की वजह से हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरवल बेटा दिखता है। ठीक बेटा, समझ आया? तो दो तरह के इंटरवल में पड़ा, एक पड़ा क्लोज, एक पड़ा ओपन। क्लोज में हमको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स को लेना होता है, और ओपन इंटरवल के अंदर नहीं लेना होता है बेटा। ठीक है, हमने उसको छोड़ना होता है। भले हम लिखते हैं बेटा, लेकिन लेते नहीं है, काउंट नहीं करते। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है बेटा इसी का सेमी पार्ट, यानी क्लोज इंटरवल में सेमी क्लोज इंटरवल, और यार बात करेंगे बेटा सेमी ओपन इंटरवल, दोनों बातें एक ही होंगी। तो अब मान चलो बेटा हमने यहां से स्टार्टिंग करी है, हमने यहाँ पे 8 और 32 ली दिया, और आपसे बोला गया बेटा कि आप 8 को तो काउंट करोगे पर 32 को आप काउंट नहीं करोगे। तो जब बोला कि 8 को काउंट करोगे तो बेटा उसके आगे बनाएंगे हम बिग ब्रैकेट, ताकि ये रिप्रेजेंट करेगा बिग ब्रैकेट कि हमको 8 को काउंट करना है, और 32 को जब हम काउंट नहीं करेंगे बेटा तो उसके आगे बनाएंगे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, जो हमको स्मॉल ब्रैकेट बताता है कि हमको 32 को काउंट नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें आधा क्लोज है, यानी आधे वाले पार्ट में लिया है हमने, और आगे वाले पार्ट में हमने नहीं लिया है, तो इसको बोलते हैं बेटा सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है बेटा, अब देखो इसी तरह इस वाले केस में बता दो, तो अगर हमको बोले कि 8 को नहीं लेना है तो उसके आगे बेटा कैसा बनाएंगे हम? उसके आगे बनाएंगे बेटा हम लोग ओपन इंटरवल। और अगर आपसे बोले 32 को कवर करना है तो उसके आगे बना देंगे बेटा हम लोग क्लोज इंटरवल। ठीक है बेटा, तो क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है वो होता है बिग ब्रैकेट, और ओपन इंटरवल जो सिंबल होता है बेटा उसको कहते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट। और ऐसे करके हमने यहाँ पे बेटा सेमी क्लोज और सेमी ओपन ब्रैकेट के बारे में, इंटरवल के बारे में हमने यहाँ पे जाते। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत बेटा? तो ऐसे करके हमारा क्लोज इंटरवल वाला पार्ट हो गया बेटा समाप्त। क्लियर? मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं बेटा। मान के चलो बेटा कि आपके मैथ्स के पेपर में 100 मार्क्स में बेटा आ गए आपके 33। ठीक, तो 33 क्या है बेटा? अगर आपसे बोला जाएगा कि आपसे टीचर आके बोले कि बताओ बेटा तुमको पासिंग के बाद कितने मार्क्स मिले हैं अगर तुमको बताना है बेटा क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो जब आप क्लोज इंटरवल में देखोगे तो 33 नंबर को आप पकड़ लोगे तो क्या जानोगे बेटा कि 33, यानी जब आपसे टीचर ने पूछा तो आपने बोला कि सर 33 को हमने क्लोज कर लिया। ठीक है, अब 33 को टीचर बोला कि जो पासिंग मार्क्स है उससे चेक करना है। ठीक है, तो चेक कर लो पासिंग मार्क्स से, तो 33 को हमने ले लिया, और इधर से भी बेटा 33 को हमने ले लिया क्योंकि उससे आगे तो है नहीं, तो 33 इज द हमारा बेटा क्लोज इंटरवल। और अभी आपसे आपके नंबर आया बेटा 36, और टीचर ने आपसे बोला कि लिविंग, यानी कि अपने लिविंग कर दो इंटरवल को जो आपसे पासिंग मार्क देता है। तो बेटा 100 में 33 नंबर पासिंग होती है, तो 33 को अगर हटा दो तो कहां से काउंट करेंगे बेटा?
कहां से काम करेगा? 34, 35 और 36, यहां से काम करेगा बेटा। तो भले यहां पे बेटा 33 रहे और इसको हटाना है, तो यहां पे लगा देंगे बेटा हम सेमी इंटरवल, और यहां पे लगा देंगे बेटा क्लोज इंटरवल, जो हमको बताएगा कि हमको 33 को नहीं लेना है, हमको 34 से आगे काउंट करना है। और अगर आपसे बोले बेटा कि हमें आप पासिंग मार्क्स के साथ बताओ, तो मान चलो आगे बेटा 36, तो 33, 34, 35 और 36 बेटा, ये वाला कंडीशन आ गया। यानी कि पासिंग मार्क्स के साथ हमारे पास है आपका बिग ब्रैकेट, जो कि आप देख सकते हो बेटा क्लोज इंटरवल में, जिसमें हमने 33 नंबर को भी इंक्लूड किया हुआ है, और इस वाले पार्ट में बेटा 33 नंबर को हमने छोड़ दिया है बेटा। तो इस तरह का बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कॉमन सा बेटा एग्जांपल है। कुल मिला के इतना समझेंगे बेटा कि किसी भी इंटरवल में अगर आपसे बोलेगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को लेने के लिए, तो आप उसमें बिग ब्रैकेट बनाओगे, और अगर आपको बोलेगा छोड़ने के लिए, तो आप वहां पे स्मॉल ब्रैकेट बनाओगे, और अगर आपसे बोलेगा कि एक पकड़ो और एक छोड़ो, तो जहां पे पकड़ने के लिए बोलेगा बेटा वहां पे बिग ब्रैकेट, और जहां पर छोड़ने के लिए बोलेगा वहां पे बेटा स्मॉल ब्रैकेट आप बनाएंगे। क्वेश्चन आएगा बेटा आपके सामने, बहुत मजा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा उसमें। चलो अब बात करते हैं बेटा हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट है इसका मतलब होता है ना कि द सेट ऑफ ऑल सेट, यानी कि ये एक ऐसा सेट होता है बेटा जिसमें सारे सेट मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा। यूनिवर्स में जितने भी सेट बने हुए हैं, मतलब कि किसी भी चीज का सेट, रियल नंबर से लेके ऑड नंबर, इवन नंबर, चल नंबर, जानवर, इंसान, सियार, कुत्ता, बिलार, भेड़िया, जिराफ, हर एक चीज का बेटा, जानवरों, इंसानों, कुत्तों, भैंसों, गधों, सबको जो सेट है बेटा, उन सबको सेट जिसके अंदर आते हैं, मतलब सब इसके अंदर जिसके अंदर कवर होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है बेटा। यूनिवर्सल सेट के अंदर सॉरी बेटा, यूनिवर्सल सेट के अंदर बेटा हर एक सेट को हम क्या करेंगे बेटा, कवर करते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग यूनिवर्सल सेट को हम दिखाते हैं बेटा यू से, ठीक है, कैपिटल यू से दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट को, जो बताता है यू फॉर यूनिवर्सल, यानी जो अपने अंदर सारे सेट को क्या कर ले बेटा, समा दे, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा आगे हम, जो कि लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा, वो है पावर सेट। पावर सेट समझते हैं बेटा हम लोग, पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट बेटा यूनिवर्सल सेट जैसे, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं बेटा, बहुत कॉमन है। यूनिवर्सल सेट में क्या बोलता है बेटा, यूनिवर्सल सेट में बोलता है ना कि ऑल सेट का होता है कलेक्शन, ठीक है, ऑल सेट का कलेक्शन होता है क्या, यूनिवर्सल सेट। तो पावर सेट होता है बेटा ना ऑल सबसेट का कलेक्शन, यानी ऑल सबसेट का जो कलेक्शन होता है उसको बेटा बोलते हैं हम लोग पावर सेट। बहुत सिंपल बेटा, कुछ नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, हर एक सेट का कलेक्शन, यानी कि किसी भी तरह का जो सेट हो, वो सारे के सारे सेट किसमें आते हैं बेटा, वो आते हैं यूनिवर्सल सेट में। और अगर हम सबसेट की बात करें बेटा, सबसेट यानी जो हमने पढ़ा उसको, यानी अगर हम सबसेट की बात करें, तो जितने भी तरह के सबसेट बनेंगे, वो सारे के सारे सेट बेटा किसमें आते हैं, उसको कहते हैं बेटा हम लोग पावर सेट। तो पावर सेट क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो किसी भी सेट का जो मैक्सिमम सबसेट बन सकते हैं, यानी कि कोई एक सेट ए है, उसके जितने भी सेट बन सकते हैं, वो सारे के सारे सेट को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी ए इज इक्वल टू एस डबल डैश एस इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है बेटा। इस तरह का हम लोग पावर सेट को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट के जो रिप्रेजेंटेशन बेटा ऐसे होता है, ठीक है, ये बिल्कुल यू यू होता है बेटा, ऐसे तिरछा ऐसे यू बनाते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग बेटा पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा बहुत सारे हमारे सामने सिंबल्स आ गए, हम सारे सिंबल्स को बेटा ऐसे करके बेटा सिंबल्स आ गए बेटा, उसको तो हम कवर कर ही लेंगे। और बेटा हमारा जो होता है ना पावर सेट भी हो गया क्लियर, यूनिवर्सल सेट भी, और बेटा इंटरवल पार्ट हो गया हमारा समाप्त, ठीक है। तो बेटा इसमें देखोगे ना, अगर इसमें तो देखोगे पावर सेट है ये, और ये है सबसेट, सच दैट सबसेट, बेटा इसको सच दैट कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, सच दैट कहते हैं, ठीक है। तो सबसेट इज द पावर सेट ऑफ ए, यानी कि सारे के सारे ए के सेट, यानी सारे के सारे ए के सबसेट को कंबाइन करेंगे हम, तो क्या बोलेंगे बेटा उसको, हम पावर सेट बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसे करके हमारा जो
सेट्स का बेटा पार्ट वन जो इंट्रो पार्ट था, यानी कि बेटा जिसके जानना हमको बहुत जरूरी था, नहीं तो आप क्वेश्चंस लगाओगे तो बेटा आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर ये कहाँ है वो कहाँ है, आपको टेंशन में आ जाओ बेटा, ठीक है। इसलिए हमें बताना आवश्यक था। ये हो गया बेटा बात समाप्त। और इस पे बेटा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे बेसिस है। आप साइड बुक जो आरडी शर्मा आर एस आवाज जिसका भी प्रयोग कर रहे हो बेटा, वो उसमें से भी आप इसको इस क्वेश्चंस को मैंने कि शुरुआत के बेटा एक दो तीन एक्सरसाइज को आप एकदम इजीली तरीके से जितना भी मैंने इसे बात किया बेटा आप उसके ऊपर लगा सकते हो। कोई भी डाउट हो गया बेटा तो हम हैं वहां पे, ठीक है बेटा। तो अभी बेटा हम सिंबल्स की बात कर लेते हैं ताकि आपको सिंबल्स में कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन से सिंबल्स क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सिंबल्स बना देता हूँ बेटा। इसको कहते हैं बेटा, इसको कहेंगे सेट्स की भाषा में देयरफॉर, ठीक है बेटा। लिख लो इसको, इस चार्ट को बना लो बेटा, ठीक है। देयरफॉर इसको बोलते हैं बेटा सच दैट, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं एक और आ गया बेटा, ये वाला है बेटा आपका सबसेट, ये वाला है बेटा आपका सुपरसेट, ये वाला आ गया बेटा यूनिवर्सल, और ये वाला आ गया बेटा आपका पावर, ठीक है बेटा। तो ये हमारा, और ये वाला बेटा आ जाएगा आपका आपका नो सबसेट, ठीक है बेटा, जब कोई भी सबसेट ना हो। तो ऐसे करके बेटा ये सब चीजें आपके सामने, एक और आएगा बेटा जहां तक हमको उम्मीद है, ये भी आता है, इसको कहते हैं बेटा बिलोंग्स, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा हमारे पास ये चीजें आती हैं, और उसमें बेटा एक और जहां तक ऐसे भी उम्मीद होती हैं, ठीक है। इस तरह का भाई इसमें जो कि आप इस सेट्स इस चैप्टर के अंदर बेटा इन सारे सिंबल्स को आपको देखने को मिलेगा, और ये सारे सिंबल्स को बेटा एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे ताकि मौके पे कोई भी इश्यूज ना हो, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके बेटा हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, पार्ट वन था बेटा सेट्स का, वो होता है समाप्त। और बेटा हम लोग चलते हैं, जय हिंद, आगे मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।